मेहंदी लगाते लगाते नींद आ गई, सुबह उठी तो ईद आ गई। भाई आखिरकार ये क्या था, कोई बताने का कष्ट करेगा। मेहंदी लगाते लगाते नींद आ गई, सुबह उठी तो ईद आ गई, और ईद ने जब इस रील को देखा तो दोबारा वापस भाग गई। तीन सुन्नतें जो आप अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं और जिस सुन्नतों का आपको बहुत ज्यादा शौक है। नंबर वन है, बीवी होनी चाहिए जो तेरे पास नहीं है। बीवी तेरे पास नहीं है ना, चल बच्चे प्लीज स्किप कर, चल बस लाइक करो स्किप करो चल। अब वो कौन सी तीन सुन्नतें थी, इसका राज भी उसी के साथ चला गया। भाई आज मैं ग्रीन कलर का स्पीड ब्रेकर से चला गया है? नहीं 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 यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, हे भगवान माफी दे दो मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पढ़ा हूँ इसका कमेंट, प्लीज प्लीज। भाई जी माफी भगवान से नहीं, स्पीड ब्रेकर से मांगनी थी। यही सुंदरता है हमारे सनातन की, वरना मजहब ने तो भारत से लेके अमेरिका तक आतंक मचा रखा है। मोदी जी नमस्ते, जर्मन शेफर्ड, इस बात पर एक कटिंग चाय लगा दो, पहले तो बॉक के दिखा, रहने दो नहीं पीनी आपकी चाय। तो राम राम मेरे प्यारे युवाओं, की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेटेड ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सर ये आंसर आया कैसे? तो ये और ये कट हुआ। सर इतना डीप जाकर भी मत पढ़ाओ कि मजे और हब खतरे में आ जाए। वैसे इस वीडियो में दो लेसन, एक तो आप लोगों ने देख ही लिया अवेयरनेस वाला, और दूसरा ये चाहे वो अमीर हो या गरीब हो बट दोनों हैं साथ में ही। आई लव यू रोहित भैया आप, लेकिन मैं तो आपको बचपन से भाई मानती हूँ। माशाल्लाह सुभाषल्लाह, रोहित भैया तो राशिद भैया निकले। हेलो बेबी, हाँ बाबा मान गए, सुसाइड का प्लान कैंसिल। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है भाई, लेकिन वहाँ 5G के सिग्नल कैसे आ रहे हैं? ठीक ठाक तो आ रहे हैं ना? हमारे देश को आजादी मिले कई दशक बीत गए, बस अब इन बहनों को भी आजादी मिल जाए। गर्मी की वजह से हमने इलाके से दूर जाने का प्लान किया, पहुँचते ही पहले हमने लकड़ियाँ हंट करना थी। यही तो जानवरों के लिए खाने का पत्ता है। फिर से कीमा बनाए, पर असल में इरादा कैंडी लैंड के मार्शमेलो स्मोक करने का था, तो बहुत मेहनत से आग लगाई। ऐसे ही सब लोग बोलते हैं आग लगाना आसान है, ये बड़ा टेक्निकल काम है, फिर मार्शमेलो को बारबेक्यू स्टिक्स में लगाया है। मार्शमेलो का बारबेक्यू करना कोई आसान काम नहीं है, आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है कि ज्यादा जल नहीं रहे वरना पिघल जाएंगे। खैर बिस्किट्स के अंदर इनका सैंडविच बनाना है, और फिर वाह क्या बारबेक्यू किया है हमने, एक दफा खुद भी ट्राई करना, इजी एंड ब्रीजी काम है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द ट्रिप विद अस, टेक केयर, बाय बाय। बहनों तुम्हें अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, तुमने शरीर का तो पर्दा कर लिया है बट आवाज का क्या, जो तुम्हारे हाथ नजर आ रहे हैं उनका क्या, पक्का जहन्नम में जाओगी, और जो मार्शमेलो खा रही हो ये भी तो आपके मजहबी भाइयों के अकॉर्डिंग खाना हराम है। धरती से लेकर आसमान तक, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, हाईवे से लेकर ब्रिज के ऊपर तक, हर जगह नमाज पढ़ लिए, बस अब शौचालय ही बचा है।
भाई उस पहली वाली बच्ची की क्या ही गलती थी, वो तो बेचारी बच्ची थी। बाकी अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, नाच गाना करने वाली लड़कियां जहन्नुम में जाएंगी, तो फोन यूज करने के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए तुम भी तो जहन्नुम में ही जाओगे। ये जोक नहीं है, सच में भाई की स्कूटी पंचर हो गई थी। डू यू लिव इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में लिव नहीं करते भाई, पाकिस्तान में सर्वाइव करते। एंड आई सर्वाइव इन पाकिस्तान, आई डोंट लिव इन इट। कोई नहीं भाई, हमारे देश की जनता फ्री की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आएगी, उसके बाद आपके देश पाकिस्तान के हालात सुधरने लगेंगे और आपको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरा अवश्य देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड हलाल है या हराम? जिस तरह सूदी लेन देन करना हराम है, इसी तरीके से सूदी मामलात पर एग्रीमेंट करना या सूद देने पर राजी होना और उसे एक्सेप्ट करना भी हराम है। और जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप ये बात कबूल कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि इस एग्रीमेंट के उसूल के मुताबिक जब भी मेरे ऊपर सूद देना लाजिम आएगा, मैं सूद दूंगा। लिहाजा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना या उसे अप्लाई करना, उसके लिए अप्लाई करना भी आम हालात में जायज नहीं है। वल्लाहु आलम। लगता है कि बेचारे मौलाना साहब की क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। और यदि वैसे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही हराम है। स्वागत है बहन आपका हमारे यहाँ सूटकेस व फ्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। मजा आया ना इस रील को देखकर, बट जल्द ही ऐसे ही हालात भारत में भी होने वाले हैं, फिर मजा नहीं आएगा। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के लिए फरमान जारी कर दिया गया है कि जब हमारी अजान व नमाज का समय हो, उस समय तुम दुर्गा पूजा में कोई भी घंटी नहीं बजा सकते हैं, डीजे नहीं बजा सकते, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब उनकी अजान व नमाज का समय होगा, तो उससे 5 मिनट पहले हिंदुओं के लिए सब बंद कर देना और उसके 5 मिनट बाद तक बंद रखना है। इस वीडियो में मैंने ये सब बताया, बाकी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बहन आपने गलत जगह सफलता पा ली है, सफलता को देखकर अंबेडकर जी खुश नहीं होने वाले। कोई और इनका मजाक बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, ये ऐसी हरकतें करके खुद ही अपना मजाक बनवा रहे हैं। लो भाई एक और मोए कट कॉपी पेस्ट। भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है, सम्मान करो, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें करे खुद से ही खुद ही खिल्ली उड़वाना कहाँ तक जाया जाए। बाकी का आप लोग भी अपने अंगूठे को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहें। अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा, जो मेरे दलित भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ही इस पर कमेंट कर दीजिएगा।
भाई ये लास्ट था अब, और नहीं तुम लोग तो आनंद लेकर निकल जाओगे, मैं फालतू में ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता फिरूंगा। बाजार ये लड़कियों की बहुत अच्छी लगती है, उसको कमरा दिल आ गया है। हाय टेंशन मत ले, रात को तो रहेगी, रात को पकड़ते हैं इसे। हाँ यार दाओ, रात को कुछ भी करती है, इसे पकड़ लाए। ये अल्लाह ये जालिम मुझे रोज गंदी नजरों से देखते हैं, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना करते हैं। मौला तू मुझे इनके शरारतों से तो बचा दे। अरे भाई वो आ गई। आओ भाई आओ, चलो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सिर्फ अपने घर वालों से प्यार करती हूँ, तूने मेरे प्यार में ठुकराया। बताते हैं तुझे रुक। भाई इसका नकाब उतारो। नहीं है तो मत करो, मैं किसी गैर मर्द के सामने बिना नकाब के नहीं आई। आता पता ढाई देते। अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है, ये कौन लोग हैं? अरे भाई इसका भैया आ गया, तू क्या भरोसा। भैया आप कौन हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तुम अपने पर्दे की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कभी भी मत कहिएगा कि आपने शक्ल नहीं देखी, आखिरकार आज की वीडियो में फेस रिवील हो ही गया। दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सबका। भाई ये एडिटेड नहीं ओरिजिनल वीडियो, राहुल गांधी को भी हिंदी सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो जीता वो सिकंदर, लेकिन प्यारे साथियों वो कहावत गलत है। कहावत यूं थी, जो जीता वो पोरस और जो हारा वो सिकंदर। नो नीति की जो जीता वो सिकंदर, पोरस ने गणे बुंडे गेर के मारे थे। चलो तम दिमाग तो सोचो, एक ठंडे दिमाग तक बात सोचो। एक आदमी कितनी दूर तक चाल कर भारत में आया, और रास्ते में जिस जगह ने जीतता आया सब ने क्रॉस करके भारत में आया। तो ईसा की होया अको वो भारत उल्टा बाज गया। क्या हुआ? सूड है गेर गैड़ है बंगड़ लागे जेली पौधी उगे, समझ गए बात ने? तो याद रख लियो प्यारे साथियों, सिकंदर भारत ते पीट के बाजा था, और इंडिया ते जान दे तामने बेरा है कि उसकी मृत्यु हो गई थी मात्र 2 साल के बाद, समझ गए बात ने? देखा ना आज कैसे हमारे देश में सिकंदर को महान बता दिया गया है, बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम रटवा दिया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन बना था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो की एक मदरसा छात्र और मदरसे का मौलाना था, जो की लगभग हमारे देश का 12 वर्ष तक शिक्षा मंत्री बना, और ये किसकी मेहरबानी थी? कांग्रेस की। अब जाहिर सी बात है जब एक मदरसा छा मौलाना हमारे देश का शिक्षा मंत्री बनेगा तो वो अकबर बाबर हुमायूं गौरी ऐसे आक्रांताओं को ही महान बताएगा। हमारे इतिहास में इतनी मिलावट की गई है कि यदि हम लोग इसे दूर करने बैठे तो वर्षों लग जाएंगे, और ये झूठा इतिहास फिल्मों गानों व कहावतों के जरिए हमारी रग रग में घुसा दिया गया है। आपने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे, दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर। देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूँ हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई, क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? हाँ। क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है। हाँ। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस शासित सभी राज्यों की स्थिति इस समय ऐसी ही है, सबका दिवालिया निकल चुका है। कांग्रेस सरकार इस समय अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह यानी की सैलरी तक नहीं दे पा रही है, और ऐसा क्यों ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये वीडियो भी आपको पिन कमेंट में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नमन करते सब संग जय 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 गंगाधर जय महादेव महादेव महादेव, नमन करते सब संग जय 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 गंगाधर जय महादेव महादेव महादेव, नमन करते सब संग जय 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 गंगाधर जय 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 महादेव महादेव महादेव। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों आज के अपने इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम।